कि आज तक मैंने मुंबई की खाली सड़कें नहीं देखी है, कोविड में सिर्फ आशीष ने देखी है, तब बिल्कुल खाली था। मैंने पहली बार देखा था कोविड के टाइम पे कि जिस मुंबई में मतलब एक टाइम भी ऐसे गाड़ी शांति नहीं रहती थी, वो टाइम में एक दिन गया था सामान लेने, मैंने कहा मतलब पूरा मुंबई एकदम सुनसान, दुकानें बंद, एक बंदा बाहर नहीं, क्या ही था ना टाइम वो भी। फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने ना बाहर वॉक करना शुरू किया, तो हम देखते थे कहते इनकी हिम्मत कैसे बाहर वॉक करने की, भाई कैसे वॉक कर रहे हैं ये, इन बंदों को मरने से डरने लगता। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई और बहुत ही टायरिंग डे था, सोने से पहले बस खा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद सोऊंगा क्योंकि खाली पेट नींद नहीं आती। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं कल, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हेलो गाइस बोलना जरूरी है। The next day. Hello guys, welcome back to our channel. तो अभी हम भाग रहे हैं फटाफट मॉल के लिए, और हमारे ना दोनों बैग इतना ट्रैवल कर करके दोनों बैगों के सत्यानाश कर दिए, ये तो हैंडल टूट गया है और उसका टायर टूट गया है, तो हमने सोचा नया क्यों लेना है क्योंकि बॉडी तो उसकी सही है, तो इसके टायर और इसका हैंडल चेंज करवाने जा रहे हैं हम, उसके बाद हम मॉल जाएंगे, फिर वहाँ से सब सामान लेके, आज बहुत काम है क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही दिन है अपना, और हाँ ऑडिशन भेजना है कल, तो बंद करो, और कल मुझे ऑडिशन भी बनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा है, दिन में सारा कवर करना है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम आ गए हैं घर, आज का दिन जो इतना लंबा गया है ना, मैं बीच में इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि अभी हमने शॉपिंग कर ली है, अभी हम जाएंगे किसी का भाई किसी की जान देखने के लिए, क्योंकि बहुत कंप्लेंट आई लोगों की कि ये फिल्म ऐसी है वैसी है ना जाने कैसी है, तो अभी हम खुद अपनी आंखों से देखेंगे और जब हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी और टॉर्चर हो जाएंगी तब हम बताएंगे क्या फील हुआ था, उससे पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। तो किसी का भाई किसी की जान का रिव्यू देखने के लिए हम ये कंटिन्यू फॉलो करते रहे, क्या पता हम कल की वीडियो में डालें या फिर हो सकता है आज की वीडियो में डालें, लेट्स सी, बट किसी का भाई किसी की जान देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यस तो आपको मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं, हमारे एक और फ्रेंड भी आ रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं हम, और आज हमारा दिन बहुत हेक्टिक गया है, ट्रैफिक इतनी थी कि एक घंटा सिर्फ ट्रैफिक में गया है हमें, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं अभी, और अभी जा रहे हैं ऊपर, रेडी होंगे, रेडी के आशु 5 मिनट का टाइम है, 5-10 मिनट का, फिर हम निकल रहे हैं दोबारा, मिलते हैं आपको। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी का भाई किसी की जान देखने, हम क्यों देखेंगे किसी का भाई किसी की जान, क्योंकि हमको जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात है उस फिल्म में कि लोग, अबे ग्राउंड तो दबाओ, लिफ्ट नहीं चलाई इसमें, हमारे बैग भी ठीक हो गए हैं, हम जा रहे हैं अब मूवी देखने के लिए, मुंबई की ट्रैफिक खत्म हो गई ना तो मतलब मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि आज तक मैंने मुंबई की खाली सड़कें नहीं देखी है, कोविड में सिर्फ आशीष ने देखी है, तब बिल्कुल खाली था। मैंने पहली बार देखा था कोविड के टाइम पे, हाँ, कि जिस मुंबई में मतलब एक टाइम भी ऐसे गाड़ी मतलब शांति नहीं रहती थी, हाँ, वो टाइम में एक दिन गया था सामान लेने, मैंने कहा मतलब पूरा मुंबई एकदम सुनसान, दुकानें बंद, एक बंदा बाहर नहीं, हाँ, और मैं गाड़ी लेकर जा रहा था ना तो मैं ऐसे एक देख रहा था, मतलब मेरे लिए बहुत ही, क्योंकि कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया, इवन रात को 3-4-5 बजे भी ना लोग देखेंगे आपको, गाड़ियां देखेंगे, बट दोपहर को 1-2 बजे 5 बजे बिल्कुल सुनसान रोड, एक बंदा बाहर नहीं, क्या ही था ना टाइम वो भी, हाँ है ना, बहुत अलग टाइम था। आशा तुम मम्मी में होती तुम ना पागल हो जाती, तुम बोलती क्या है ये, एक बंदा नहीं दिख रहा बाहर। फिर कुछ टाइम के बाद लोगों ने ना बाहर वॉक करना शुरू किया, तब देखते थे कुछ लोग, तो हम देखते थे कहते इनकी हिम्मत कैसे बाहर वॉक करने की, भाई कैसे वॉक कर रहे हैं, मैं दिखता था विंडो से, मतलब क्या रे गट्स है भाई, इन बंदे को मरने से डरने लगता और देखा जाता एक्चुअली में कुछ था भी नहीं, वो फालतू का इतना भय डर था। सेकंड वेव में बहुत लोगों की डेथ हुई, ट्रैफिक 5 मिनट का रोड भी ना मतलब 15 मिनट का लगता है ज्यादा। तो हम आ गए हैं मूवी देख के घर वापस, तो प्लीज बताएं तुम्हें कैसी लगी मूवी। मूवी यार मतलब शुरू का जो फर्स्ट हाफ था उसके जो 20 मिनट थे बहुत भयंकर बोरिंग थे, बट उसके बाद क्योंकि सलमान खान की फिल्म है तो हम तो
मतलब एंजॉय करने के लिए गए थे कि चलो फन करेंगे एंजॉय करेंगे, तो कुछ कुछ पार्ट पे तो बहुत मजा आया था। स्टोरी का तो कोई खैर सर पाओ मतलब नहीं था, यही बोलूंगा, बट हाँ फन मूवी थी, मतलब आप फन के पर्पज से जा सकते हो, एंजॉय करने के पर्पज से उस मूवी को देखने के लिए, तो मुझे तो बहुत मजा आया एक्चुअली, मतलब मैं कह सकता हूँ। उसका दिमाग मत लगाना फिर मूवी में, बाकी मूवी बहुत अच्छी, मतलब दिमाग नहीं लगाओगे फिर अच्छी थी ना। अब क्या है, मैं गाइस ऑनेस्ट रिव्यू दूं, मेरे को पता है गालियां पड़ेंगी मुझे नीचे, पर मैं ऑनेस्ट, मुझे कैसी लगी, कैसी है क्रिटिकली वो मुझे नहीं पता, मुझे कैसी लगी, मुझे लगा कि मैंने 3 घंटे वेस्ट किए अपने लाइफ के। क्योंकि हम फ्रेंड्स थे, क्योंकि हम फ्रेंड्स थे, 3-4 लोग गए हुए थे, हम बकचोदी कर रहे थे वहाँ पे, अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि मैं कब थिएटर से बाहर निकलूं, क्योंकि मैंने पैसे खर्चे हुए थे, मुझे देखनी थी मूवी, अब मेरे पैसे गए लगे उसमें, तो मैंने कहा मैं पूरा पैसे वसूल करके आऊंगी, जो कि पता नहीं मुझे तो अच्छी नहीं लगी, बाकी उनको किसी को अच्छी लगी होगी तो उनका वो है, मतलब उनका ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन है, और बस, पर मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी हम आज पैकिंग का सारा सामान ऐसे बिखरा पर पड़ा, मैं दिखा भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा, घर का एक भी कोना साफ नहीं है, जैसे यहाँ ये पड़ा है, फिर यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, फिर यहाँ पे जूते पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे गिरा ही हुआ है, तो हम बस पैकिंग करने पे लगे हैं, क्योंकि हम परसों निकलना है कहीं पे, जो कि आपको मैं बताऊंगी कल कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि 30th को जाना है या 1st को जाना है, तो हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। जाना है, पैकिंग हमने कर लिया तो जाना है, लेकिन कहाँ कहाँ जाना है वो भी पता, लेकिन कब जाना है वो समझ नहीं आ रहा, वीजा का थोड़ा सा, हाँ वीजा का थोड़ा सा वो चल रहा है, तो इसलिए हम बता नहीं पा रहे कि कब जाना है, एक बार बस, हाँ जाना जरूर है, एक बार वीजा आ जाए बस। और मुझे ना ये बड़ी गंदी आदत है, बस ऐसे ना एक ऐसे मीठी सी खुजली होती है ना, बस ऐसे करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, वैसा वाला फील आता है, जो कि बहुत गंदी आदत है, उसकी वजह से ना ये देखो मेरी और ब्लू पड़ जाती है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ये करती रहती हूँ, नहीं करना नहीं करना। बाकी लोग कहीं बोलते हैं कि हमारी बातें बहुत बोरिंग है, ऐसा है क्या गाइस? तो हम आपको मिलते हैं कल, गुड नाइट, छुपा खैर, कल का दिन ऐसे ही शुरू होगा, बिजी 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 बिजी, जो कि मजा भी आता है बहुत, और बस मुझे ना बुरा ये लग रहा है कि मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ यार, आशीष तो कर ले रहा है, मैं, मेरा जिम नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं उठ रही हूँ मेरी आँख खोल के, तब तक ये फोन करके बोल देता है मेरे को कि अरे चलना नहीं है क्या जिम, जल्दी आओ घर, तब तक मैं उठी होती हूँ, तो कुछ नहीं कर सकते। सो गुड नाइट गाइस, शब्बा खैर, आपको मिलते हैं कल, बाय बाय।